हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी शाम का टाइम है और 4 बजे हैं लगभग। सुबह की वीडियो आज मैंने शूट नहीं की क्योंकि कुछ रीज़न था, वो मैं लास्ट में बताऊंगी, और इसलिए कुछ ज़्यादा काम हो नहीं पाया आज, तो इसलिए मैंने कुछ वीडियो बनाई नहीं, मतलब नॉर्मल खाना पीना ही बनाया था, और बड़ा धीरे धीरे काम आज हो रहा था तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो बस अभी शाम का थोड़ा बहुत काम मुझे करना था और कुछ आप लोगों से ना स्पेशल बात करनी थी। टाइटल देख के आप लोग समझ ही चुके होंगे, तो इसलिए अब ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ कि थोड़ी देर आप लोगों से बात कर लूँ। और बच्चे अभी सो के उठे थे तो उनके लिए मुझे जूस वगैरह बनाना था, तो और कुछ सामान भी आया था। आपको पीछे ये वाइट कलर की पॉलीथीन दिखाई दे रही होगी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या मंगाया है मैंने सामान। इसमें भी ना बच्चों के लिए कुछ 2-3 चीज़ें खास हैं जो स्पेशली बच्चों के लिए ही खरीदी गई हैं, और आप लोग भी बच्चों के लिए ले सकते हैं, तो वो अभी मैं जस्ट दिखाऊंगी। पहले इनको फ्री कर दूँ। ये हुनर ना मेरे पीछे पीछे लगी हुई थी और फिर मैंने इसको स्लैब पर ही बैठा लिया कि भाई यहाँ बैठ जा और मैं साथ साथ काम करती रहूँगी, क्योंकि ये कुछ ना छेड़ती रहती है। अभी भी इसके हाथ में आपने देख लिया होगा सीज़र है। तो चलिए देख लीजिए क्या क्या लेकर आई हैं। ये मेरा कंडीशनर है और ये चोकोज हैं। इस पर स्पेशली ऊपर लिखा हुआ था कि इस पर ना छोटे भीम का मास्क फ्री है, वो मैं लास्ट में खोल के दिखाऊंगी। और ये एक ब्लीचिंग पाउडर है, इसकी मुझे एक वीडियो बनानी है, जल्दी ही आप लोगों तक शेयर करूंगी। और ये हॉर्लिक्स था, उसके साथ भी एक किट फ्री है, वो भी मैं इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। मीन्स अभी जो सामान दिखा रही हूँ इसी के जस्ट एंड में दिखा दूंगी मैं आपको। और ये पिज़्ज़ा का सामान था बहुत सारा, और कुछ आमचूर और ये नमक वगैरह ख़त्म हो रखे थे। तो अभी मैं पहले इसको खोल के देख रहती हूँ, क्योंकि हॉर्लिक्स के साथ तो जो किट थी ना वो मिल चुकी है, चोकोज के साथ वाली नहीं मिली थी। इसके साथ बताया गया है कि भाई मास्क फ्री है, और पैकेट में तो मुझे नहीं मिली, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अंदर शायद इसके मिल जाए। तो अभी मैं ट्रे में इसको खाली करने वाली हूँ, वैसे भी मुझे डिब्बे में ही डालना था, लेकिन कुछ भी नहीं है इसमें। और कमर देखेगा तो बहुत रोएगा, उसको चाहिए होगा ये मास्क, तो ऐसे ना बुद्धू बना देते हैं ये बच्चों को। अभी जो कमर खोल रहा है ये वही किट है जो हॉर्लिक्स के साथ फ्री आई है, तो आप इसमें देख लीजिएगा कि क्या क्या फ्री है इसके साथ। आपका गिफ्ट है ये? कोई बात नहीं, गिफ्ट है तो खोलना तो पड़ेगा। मम्मा की तरफ दिखा, ऐसे नीचे रख के खोल ले। और दूर भी तो कुछ चीजें इसमें है। मैं ड्राइंग बुक है। मैं कभी दे। उसको भी दे दे भाई, एक बार आते हैं। दे दे। ये ले। उसको भी कलर दे दे भाई। कलर कौन सा कलर दो? सारे कलर एक बार दे दे उसको एंडी में। उसके एंडी में दिखा दे एक बारी। वो खलती है तुम्हारी। इतनी बड़ी लंबी। वो खोल के नहीं खराब करके का? खड़ा हो, खड़ा हो। जाओ हैंडी वॉश करके आ जा एक बार। खड़ा हो। एप्पल के भर दो। जिताओ। हुनर है? हटी एक बार। चल खड़ा हो। आपने क्या किया है? ये इतना कलर जो गिराया है देख, टपक रहा है बिल्कुल अब तक। मानता नहीं ना तू? अरे मैं भी कर क्या किया आपने ये? उसको मत ले, उसको मत ले, अभी गिरा वो, उसको मत ले बेटी। नो हुनर नो। मेरा
क्या कर रही है तू शैतान? कुछ नहीं मामा, कुछ तो कर ही रही है। ये टू टू नंबर जो है वो रेड कर दे। देख और है कर दे, बाहर मत लेके जाओ उसको, मत ये कर। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? अभी चाय बन रही है। आज मेरे हाथ में ना चोट लग गई है, देखिए बैंडेड मैंने लगाई हुई। एक्चुअली सुबह हुआ क्या, ये ब्लेड ना बर्तनों में था, मतलब धो के रखा हुआ था, और मैं कोई बर्तन उठाने लगी और ये किसी दूसरे बर्तन के नीचे दबा हुआ था, मतलब मैंने देखा नहीं, और एकदम से ना ऐसे साइड से लग गया। ये ब्लेड है ना चॉपर का ब्लेड, तो साइड से पूरा ऐसे फिंगर में कट लग गया एक, और अच्छा खासा है इतना बड़ा। और राइट हैंड वैसे है तो आज काम करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, बट फिर भी कोई ऑप्शन नहीं है, करना है सारा काम खुद ही। तो अभी मैं बर्तन साफ कर रही हूँ। जब आपके पास ऑप्शन नहीं होता ना, तो फिर आपको चोट लगे कुछ हो, फिर आपको काम करना ही है, और वही मेरे साथ है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बोलो कर लो अनम्यूट। हाँ कर ले। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? और अभी अभी मैंने ना किड्स चैनल के लिए एक वीडियो बनाई थी, तो यहीं पर बैठ के मैं वीडियो बनाती हूँ। ये मेरी टेबल है और ज़मीन में बैठकर ही मैं वो वीडियो बनाती हूँ हमेशा किड्स चैनल वाली, तो सोचा थोड़ी देर आप लोगों से भी बात कर लूँ। और आपने मेरा ये येल्लो अवतार आज देख लिया होगा, ऊपर से नीचे तक मैं येल्लो येल्लो हो रखी हूँ। तो आज है येल्लो डे, मीन्स आज है थर्सडे, और थर्सडे को मैं स्पेशली येलो कपड़े पहनना प्रेफर करती हूँ। हालांकि काफ़ी टाइम से पहन नहीं पा रही थी, किसी न किसी रीज़न से कहीं ऐसी जगह जाना पड़ जाता जहाँ मतलब येलो लिमिटेड है मेरे पास, तो
अभी स्पेशली मैंने ये सूट ना बनवाया है अभी लास्ट मंथ में, और इसीलिए मैं इसको घर में ही पहनती हूँ। घर में पहनने लायक ही मैंने बनवाया है, कॉटन का है, बहुत ही सॉफ्ट साइज़ का कपड़ा है, शादी में दिया था ये मम्मी ने। तो स्पेशली ये मैंने थर्सडे को पहनने के लिए बनवाया, और इसको पहनने की इतनी मुझे ज़्यादा जल्दी थी कि मैंने इसको खुद भी नहीं सिला, बाहर ही सिलवाया, क्योंकि मुझे टाइम नहीं था, मैं पता नहीं कब सिल पाएगा। और हर थर्सडे मैक्सिमम मैं यही सूट पहनती हूँ। तो आज मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि भाई येलो थर्सडे को पहनना क्यों ज़रूरी है। भगवान जो विष्णु हैं उनका दिन माना जाता है थर्सडे, बृहस्पति भगवान का व्रत भी इस दिन किया जाता है, कुछ लोग साईं बाबा का फास्ट भी इस दिन करते हैं। तो विष्णु भगवान भी, बृहस्पति महाराज भी और साईं बाबा, इन तीनों का ही फेवरेट कलर है येलो, इन तीनों को ही येलो कलर बहुत पसंद है। और विष्णु भगवान जो हैं उनकी कृपा जिन पर रहती है तो उस घर में सुख समृद्धि हमेशा शांति बनी रहती है। येलो जो कलर है ना वो एक लाइट कलर में माना जाता है, जैसे सफ़ेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है ना, ऐसे ही येलो कलर को सुख समृद्धि और शांति का ही प्रतीक माना जाता है। मतलब जो लाइट कलर्स होते हैं ना वो बड़े सूदिंग से कलर होते हैं, मतलब शांति वाले कलर माने जाते हैं वो, मतलब उनको पहन के ना सुकून मिलता है। डार्क कलर जो होते हैं वो बहुत ही हाईली एनर्जेटिक होते हैं, उनको पहन के मतलब गुस्सा भी कई बार आता है। वो भी कलर्स मैं आपको बताऊंगी किन कलर्स को पहनने से हमें गुस्सा आता है या आ सकता है, तो उनको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। कुछ कॉम्बिनेशंस भी ऐसे हैं, तो उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ लंबे टाइम तक जुड़े रहना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आपको वो सारी बातें ही मैं बता दूंगी, क्योंकि एक दिन तो नहीं बता सकती ना इतनी सारी बातें। तो आज सिर्फ मैं येलो कलर के बारे में ही बात करूंगी। कुछ लोग जो फास्ट रखते हैं वो भी, और जो नहीं रखते वो भी येलो कलर पहनते हैं। और आप थर्सडे को अगर बाहर निकलोगे ना तो 60-70% लोग आपको येलो कलर पहने हुए मिल जाएंगे, मैक्सिमम लेडीज़ ज़्यादा इन चीज़ों का ध्यान रखती हैं, जेंट्स इतना प्रेफर नहीं करते येलो कलर पहनना। तो मतलब अगर आपको सुकून चाहिए है तो आप आज से ही, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप थर्सडे को येलो कलर पहनिए। थर्सडे को कभी भी सिर नहीं धोना चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। ये सारी वो चीज़ें हैं जो विष्णु भगवान को थर्सडे को करना पसंद नहीं है, तो मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ ये सारी चीज़ें। पोछा तो खैर अवॉइड नहीं हो पाता, मैं ब्रीफ्रैंक आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन साबुन मेरी कोशिश उस दिन रहती है कि हम अवॉइड करो। देखो बर्तन साफ़ करने होते हैं उसमें हम अवॉइड नहीं कर सकते, हाथ साफ़ करने होते हैं उसमें भी हम अवॉइड नहीं कर सकते। जहाँ हम कर सकते, जैसे सिर तो हम, ऐसा है ना कि थर्सडे को ना धोए तो हमारा काम चल सकता है, कपड़े भी ना धोएं तो भी हमारा काम चल सकता है। तो कुछ जो चीज़ें आप छोड़ सकते हैं, एटलीस्ट अवॉइड कर सकते हैं, वो तो थर्सडे को ज़रूर कीजिए, और देखेंगे धीरे धीरे आपकी लाइफ में अपने आप ही सुकून शांति आना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ें ऐसी हैं, कोई लोग इनको बोलते हैं कि अंधविश्वास है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप इन पर यकीन करें या इनको अंधविश्वास माने। लेकिन आप इन पर यकीन ना भी करें तो भी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो संसार है ना वो अपनी मर्जी से चलता है, आप लोगों की सोच से नहीं चलता। कुछ लोग मतलब ऐसे होते हैं ना कि किसी ने कुछ अच्छी चीज़ बताई तो वो उसके बारे में ना बहस करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, आप माने ना माने वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मानेंगे तो आपको उसके बेनिफिट्स मिल जाएंगे, नहीं मानेंगे तो भी ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दीजिए। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों तक ऐसी छोटी छोटी सारी इन्फॉर्मेशन भेजती रहूं, पहुंचाती रहूं, ताकि आप लोग भी उन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं। क्योंकि जो हमारा हिंदू धर्म है ना उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनको हम अगर मानते हैं तो हमें उसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, ये फैक्ट है। तो आप ट्राई कीजिए और इनसे फ़ायदा लीजिए, और अगर फ़ायदा मिलता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके कमेंट से ना मुझे कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं होने वाला, ये आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। आपके कमेंट से ना सिर्फ एक फ़ायदा होता है कि मुझे अच्छा लगता है,
पता चलता है कि आपने क्या लिखा है और इस वीडियो से आपको क्या बेनिफिट मिला है। दूसरी चीज़ ये है, कोई वीडियो को खोलता है और वीडियो को खोल के लोग सोचते हैं कि इसके कमेंट्स पढ़े जाएं कि ये वीडियो किस टाइप की है, तो अगर आपका कोई कमेंट होगा तो सामने वाले को उससे ये बेनिफिट हो जाएगा कि इस वीडियो में क्या कुछ है और किसको इससे फ़ायदा हुआ देखने से, किसको इससे नुकसान हुआ। तो कमेंट ज़रूर कीजिए अपने लिए, मेरे लिए ना सही, दूसरों के लिए जो इस वीडियो को देखें कभी भी इन फ्यूचर। तो चलिए वीडियो को मैं वाइंड अप कर देती हूँ, चैनल पर बने रहिएगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी छोटी छोटी मैं शेयर करती रहूँगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि मैंने आज जो भी बताया है वो आपको सही लगा कि गलत लगा। गलत लगे तो भी बता देना, कोई मतलब ये सारे थॉट्स मेरे अपने नहीं हैं, जो मैं फील करती हूँ, देखती हूँ या जितनी मुझे नॉलेज है वो सारी आप लोगों तक शेयर करने की मैं कोशिश करती हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी थर्सडे।